करते हैं अपने लोग को, किसको वोट करते हैं? लालू यादव को वोट करते हैं। ये लोग किसको वोट करते हैं? पासवान जी को वोट करते हैं, उनके नाम पर वोट करते हैं। सम ऑफ देम आर वोटिंग नीतीश कुमार ऑल्सो। तो ये क्या कर रहे हैं आप लोग यार, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इनके साथ? 70-40 बिन 70 है। आप जो सोशल जस्टिस की पार्टियों की बात करते हैं, कौन देखेगा इन लोगों को? ये क्यों वोट करें, ये क्यों वोट करेंगे आपको? आप वही ना, क्यों वोट करेंगे आपको? आप लोगों ने शासन चलाया या बोले कि ये आपके, ये हम आप लोगों के लिए है, हम सामाजिक न्याय के लिए है, हम पिछड़ा का बेटा है, हम दलित का बेटा है, तो ये किनके बच्चे हैं? ये आज भी इस स्थिति में किनके बच्चे हैं? पासवान जी को बेटा को जात तब याद आता है जब उनको रिजर्व सीट से जीतना होता है, तब उनको याद आता है कि हाँ हम पासवान जाति से है। लालू यादव को तब ये याद आता है कि हम पिछड़ों का बेटा है जब वो जेल में जाते हैं। अरे जिस दिन आपका पावर था, हम किसी के खिलाफ नहीं बोले, लेकिन जिस दिन आप पावर में थे उस दिन लैंड का बंटवारा, जमीन का बंटवारा क्यों नहीं करवाया कि आज इन लोगों के पास भी जमीन होता? जिस दिन आप पावर में थे उस दिन शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं ठीक कर दिए कि ये बच्चों को आज अच्छा शिक्षा मिल रहा होता? उस दिन ये आपका जिम्मेदारी था नहीं ठीक करने का क्या? जिस दिन आप पावर में थे उस दिन क्यों नहीं किए कि हाँ यहाँ पर हम स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा कर देते हैं कि जब इन लोगों को इलाज कराना हो तो इन लोगों को इलाज कराने के लिए पैसा नहीं रहता, सीतामढ़ी जाने के लिए भाड़ा नहीं होगा, तो इलाज इनका पास के अस्पताल में सही से इलाज हो जाए, और इलाज हो तो उनको वहाँ पर दवाई भी मिल जाए। ये सब बातें आप नहीं करेंगे और सिर्फ अग्रा पीछा करेंगे। कितने साल तक इन लोगों को इसी स्थिति में आप देखना चाहते हैं? आकर देख लीजिए ये किस तरह से ये लोग रहते हैं। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बस इसी कारण आप लोगों को देख कर, घर देख कर मुझे रोना आ गया कि किस तरह से आप लोग रहते होंगे। और चलिए आप लोग तो किसी तरह से रख ले रहते होंगे। इसको बोला जाता है, बार बार मोदी जी बोलते हैं कि फ्यूचर हमारा जो है भविष्य, बच्चा भविष्य है। ये देख लीजिए आपके भविष्य कहाँ पर है और किस तरह से ये अगर आप राष्ट्र की निर्माण करना चाहते हैं, अगर आप एक मजबूत राष्ट्र की निर्माण करना चाहते हैं, आप अगर आप विश्व गुरु बनाना चाहते हैं कि क्या इन बच्चे यही है विश्व गुरु बनने के लायक? क्या इनको विश्व गुरु बनाएंगे? इस तरह से रख के क्या हमारा देश विश्व गुरु बनेगा? क्या नहीं बनेगा सर, नहीं बनेगा ना। बाबा साहब एक और बात बोलते थे, इसी तरह के झोपड़ी झुब्बी जो थे उस टाइम भी हुआ करते थे और वो आज भी कंटिन्यू है। तब एक व्यक्ति हुआ करता था, आप लोग नहीं जानते हुआ, उनका नाम है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। वह बोला करते थे कि अपने घरों के दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। जब बाबा साहब यह बात बोले थे कि ये शासक है, बार बार यह शब्द यूज हुआ है कि आखिर शासक शब्द होता क्या है? कुछ लोगों को मैं बता देता हूँ, जब हम शासक कहते हैं तो वो लोग जिनके पास पैसा पहुँचता है कि वो आपका कल्याण कर सके। जो लोग अभी मैं इसीलिए यह बात करता हूँ कि आप लोग भी बात समझ जाए कि यहाँ पर ना हम लोग वोट मांगने आए हैं और ना हम लोग यहाँ पर इसी तरह से घूमने आए हैं। हम यहाँ पर आपका अधिकार बताने आए हैं और बस ये बताने आए हैं कि जैसा तैसा आप पढ़ लिए तो पढ़ लिए, क्योंकि अपना बच्चों के पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बहुत सारे यहाँ पर नहीं है युवा, यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है कि कहाँ है हमारा युवा। जो एबल हैंड जो बोलते हैं, जो लोग काम कर सकते हैं, वो लोग यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर या तो बूढ़ी माँ है, या तो अकेली औरतें रहती होंगी, या तो बूढ़ा माता पिता है जो कि इंतजार करता है कि पटना से, दिल्ली से, पटना तो नहीं तो जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इस तरह से मुंबई लोग कमाने गए। यही बात है, सब वहाँ पर कमाने गए, सब दिल्ली बॉम्बे कमाए, सब पटकार में आएगा। कुछ भी नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं साधन कर रहा है, बाहर नहीं जाएगा तो खाएगा क्या? आप बताइए, ये झोपड़ी में आग लगता है तो 10 को बाल्टी निकालना पड़ता है। अब ये देखिए, एक झोपड़ी में आग लगता है तो 10 बाल्टी पानी से बुझाना होता है, ठीक है? कुछ भी साधन नहीं। अब देखिए अपने लोगों के पास, अपने लोगों जैसा घर है, यू उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की घटना बताते हैं, जहाँ पर 60-70 घर में सीधे फैलते हुए घर में आग लगा दिया गया। बताओ आप लोगों से कुछ युवा को 60-70 घर में सीधे वहाँ पर आग लगा दे रहा। हम यही बात जो ऊपर बैठे लोग है ना, हम उनको यही बात बोलना चाहते हैं कि हम टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, ये अब नहीं चलेगा। हम नहीं चलने देंगे, हम यहाँ पर आए हैं ना तो हम ऐसा ही नहीं आए हैं। हम उस हर जड़ को उखाड़ के फेंकेंगे जो मजबूर कर देता है इन बच्चों को इस तरह से रहने के लिए और इन माता बहनों को इस तरह से रहने के लिए। हम उस हर जड़ को अब आज से उखाड़ फेंकेंगे। इसका बात क्या है?